अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं कद्दू गोश्त, लेकिन मैं यूज़ कर रही हूँ मटन। ठीक है, आप लोग बीफ भी यूज़ कर सकते हैं और आप लोग चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में कद्दू मैंने धो लिए हैं, छील लिए हैं और उनके पीसेस भी कर लिए हैं। अब साथ में आ रहे हैं टमाटर, चॉप किए हुए टमाटर, चॉप की हुई हरी मिर्ची और प्याज कटा हुआ, लहसुन अदरक जो है वो दोनों चॉप किए हुए। मैं पेस्ट यूज़ नहीं करती शॉपिंग वाले खाने के अंदर। तेल, एक कप तेल हम लेंगे। साथ में हम लोग ले लेते हैं मसाले। सारे मसालों में लाल मिर्ची पाउडर एक चम्मच, हल्दी एक चम्मच, ज़ीरा पाउडर एक चम्मच, धनिया मिर्ची एक चम्मच, नमक एक चम्मच और गरम मसाला एक चम्मच। और ये है सारी चीज़ें जो कि हम यूज़ करेंगे रेसिपी में। अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। फ्लेम हम ऑन कर लेते हैं मीडियम में। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसमें तेल ऐड करेंगे। एक कप तेल हम यूज़ कर रहे हैं और साथ ही हम इसमें प्याज भी ऐड कर लेंगे। प्याज हमने चॉप किया हुआ है, सारा प्याज ऐड कर देंगे। ये कम से कम ये दो प्याज हैं। ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आप कितनी क्वांटिटी पसंद करते हैं आप वो डाल सकते हैं। मैंने दो प्याज यूज़ किए हैं। इसके बाद अच्छे तरीके से इसको हमने ब्राउन करना है, ज़्यादा इसको ज़्यादा हमने काला नहीं करना, ब्राउन करना है। उसके बाद लहसुन और अदरक दोनों डाल देंगे इसमें चॉप किए हुए, क्योंकि जो पेस्ट होता है ना उससे अच्छा जायका नहीं आता शोबे वाले खाने में। चॉप वाले से ना जो है, चॉप जो करते हैं हम लोग लहसुन अदरक, उससे अच्छा जायका आता है। अब इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, ताकि ये लहसुन अदरक और प्याज तीनों जो हैं वो लाइट ब्राउन हो जाएं। अब हम इसमें टमाटर और हरी मिर्ची दोनों ऐड कर देंगे। अब हम ये ऐड कर दी है और अब मिक्सिंग मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। और अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, पहले मिक्सिंग करने के बाद हम मसाले ऐड करेंगे। चलें जी, अब हमारे मसाले ऐड करने की बारी आ गई है और सारे के सारे मसाले जो मैंने वीडियो के शुरू में बताए वो एक साथ डल जाएंगे। अब मसालों को अच्छे तरीके से पकाएंगे हम, ताकि ये अच्छे तरीके से भुन जाए मसाला। और देखें, अब इसमें टमाटर जो है मोटे मोटे से हैं, लेकिन अब इसको हमने बिल्कुल बारीक कर लेना है। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खान्स किचन YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, कमेंट्स करें। चलिए, मसाला तैयार हो चुका है हमारा और अब हम इसमें गोश्त डालेंगे, जो कि मटन यूज़ कर रही हूँ मैं। मटन डाल दिया है क्योंकि मटन बहुत देर से गलता है, तो हमें इसके लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो अभी हम इसको पहले भूनेंगे और ये भुन गया है अच्छे तरीके से। अब इसमें पानी डालेंगे हम, एक से लेके डेढ़ ग्लास तक का पानी डाल सकते हैं। तो मैं इसमें डेढ़ ग्लास पानी डाल रही हूँ ताकि अच्छे तरीके से गल जाए। तो हम इसको ढक के रख देंगे 40 से लेके 45 मिनट्स तक। आप इसको छोड़ दें ताकि अच्छे तरीके से गल जाए। उसके बाद फिर आप चेक करते हैं इसको बीच बीच में कि गोश्त गल गया कि नहीं। अब हम देखेंगे इसको, देखते हैं तो ये बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है और ये अब घी भी ऊपर आ चुका है इसके। देखें, आपको घी नज़र आ रहा होगा और ये अब गल भी चुका है गोश्त, लग तो रहा है। अब देखते हैं, हमने चेक कर लिया गोश्त गल चुका है और अब हम इसमें डालेंगे कद्दू जो हमने कट करके रखे थे। अगर आपने कद्दू पहले से कट कर लिए हैं तो इनको आप फ्रिज में रख दें ताकि ये ख़राब और काले नहीं होंगे। अब हमने कद्दू डाल दिया है इसमें और अब हम इसी तरीके से मिक्स कर रहे हैं इसको। और अब मिक्सिंग करने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे शोरबे के लिए। आपको जितना शोरबा रखना है उतना पानी ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें आधा ग्लास पानी ऐड करूँगी। चलें, ऐड हो गया है पानी, डाल दिया है। अब फिर मिक्सिंग। अब उबाल आ जाएगा तो हम इसे छोड़ देंगे 12 to 15 मिनट्स के लिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि कद्दू जल्दी गल जाते हैं, इसलिए हम ज़्यादा नहीं छोड़ेंगे। उससे ज़्यादा 15 मिनट्स के लिए बस। तो अब हम चेक करते हैं 12 मिनट्स के बाद, तो ये पक चुके हैं और अब इसको हम डिश आउट करेंगे। अब डिश आउट करने के लिए हम इसको प्लेट में डालेंगे और इसको सजाएंगे। चलें, प्लेट में डाल चुका है। अब इसको हम हरी मिर्ची से और धनिया से सजा लेते हैं, धनिया इस पर गार्निश कर लेते हैं। और मज़े की रेसिपी कद्दू मटन बन चुके हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझसे शेयर कीजिएगा कि कैसे बना था आपने ट्राई किया तो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, कमेंट्स करें और न्यू डिशेज जो आप बनवाना चाहते हैं वो भी कमेंट्स में बताएं। आपके घर में जो लोग कद्दू नहीं खाते वो रेसिपी को ज़रूर पसंद करेंगे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।